हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकितला और लेल्हा एजुकेशन सेंटर के इस चैनल के थ्रू मैं आज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, CSEET के लिए जितने भी स्टूडेंट्स इस बार अपीयर करने वाले थे 10 मंथ अगस्त एग्जामिनेशन, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ऐसा माना जा रहा था कि आखिर एग्जामिनेशन कैसे होंगे, ICSI एग्जामिनेशन कैसे लेगा, CSEET के एग्जामिनेशन, फाउंडेशन के एग्जामिनेशन को तो पोस्टपोन कर दिया गया था, बट CSEET के एग्जामिनेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। और अब ICSI नोटिफिकेशन के साथ आया, अभी तो एक शानदार नोटिफिकेशन के साथ आया। अब इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक डिटेल डिस्कशन होगी फॉर द CSEET स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम बढ़िया से समझिएगा हर एक चीज़ के बारे में, पूरे प्रोसीजर के बारे में। बट सबसे पहले बेसिक चीज़, अगर आपका CSEET में रजिस्ट्रेशन बिफोर 27th ऑफ जुलाई हुआ है, इफ़ यू हैव बीन रजिस्टर्ड टू CSEET कोर्स बिफोर 27th ऑफ जुलाई, तो फिर अब आप अपकमिंग 29th अगस्त 2020 के एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हैं। बट सर, स्कूल कॉलेजेस तो क्लोज्ड है और कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी करने से सरकार ने मना किया है, बट हाँ, आप घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यस, शायद ही हम लोगों ने कभी सोचा हो कि हम लोग घर बैठे बैठे एग्जाम देंगे, लेकिन ICSI ने ऐसा पॉसिबल कर दिया है। अब आप घर बैठे बैठे अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये एक बहुत ही रेडिकल स्टेप है, एक बहुत, हम कह सकते हैं, एक नया, एक यूनिक स्टेप है जो कि ICSI ने लिया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस स्टेप, ठीक है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई तक हो चुका है, यू कैन अपीयर इन 29th अगस्त योर एग्जामिनेशन फॉर CSEET। अगर नहीं किया है, इसके बाद किया है, मतलब 27 जुलाई के बाद किया है, देन यू कैन अपीयर योर एग्जामिनेशन इन द नेक्स्ट CSEET एग्जाम्स, ठीक है। अब कैसे करके होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए, हर एक चीज़ को आप समझ लीजिए। सुनिए ध्यान से, जो फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन होगा, इट विल बी ऑन 29th ऑफ अगस्त एंड इट विल बी डन थ्रू रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड। रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड मतलब हम कह सकते हैं कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि उसमें मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, कंप्लीट मॉनिटरिंग की जाएगी, 100% मॉनिटरिंग विल बी डन। नाउ हाउ इट विल बी डन आई विल बी टेलिंग यू, उसको कैसे करके किया जाएगा बकायदा समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका एग्जामिनेशन ये जो ऑनलाइन हो रहा है, इसके लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आपके मेल पर एक लिंक आएगा, उसमें आपका शेड्यूल लिखा होगा, आपके टाइमिंग लिखी होगी कि आप किस टाइम पे अपीयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर में, इस एग्जामिनेशन के अंदर में आपका एक उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड भी होगा, सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट की जाएंगी, तो अपना मेल चेक करते रहिएगा। आपके एडमिट कार्ड्स एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 17th या 19th ऑफ अगस्त तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस बार वाइवा वोक को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, वाइवा वोक हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड दिस टाइम फ्रॉम योर पेपर। आइए एक बार एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। In view of remote proctored mode, the Viva Vogue portion stands removed for the first CSEET to be held on 29th August. The computer-based MCQ portion of the online test forming part of CSEET remains the same as the existing structure of CSEET. Paper 4 will carry total 50 marks, which will contain questions of current affairs, presentation and communication skills. ठीक है, तो जनरली इसके अंदर में अब करंट अफेयर्स का ही इन्होंने वेटेज ऑब्वियसली जो है बढ़ा दिया है, सो योर कम्युनिकेशन पार्ट बिकम्स वेरी नेसेसरी नाउ, वो पूरी तरीके से 50 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। चलो अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो ब्रेकअप ऑफ मार्क्स ये रहेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा, लीगल एप्टीट्यूड रहेगा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे, इनके ऊपर में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बट अगेन इट विल बी रिलेटिंग टू मोर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन रादर देन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। पहले ये वाइवा वोक होना था, मतलब आपको बोल करके अपना एग्जाम देना था, नाउ इट विल नॉट बी डन। अब ये एग्जामिनेशन आप कैसे दे सकते हैं, ये एग्जाम सर के आपने मोबाइल पे दे सकते हैं, एग्जाम आप मोबाइल पे नहीं दे सकते, ध्यान सुनो, यू कैन नॉट अपीयर इट थ्रू योर मोबाइल, मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड,
इट इज़ नॉट अलाउड। आपके पास में पीसी अलाउड है या फिर लैपटॉप अलाउड है? सर अगर अपने पास में मोबाइल फ़ोन ही है, पीसी लैपटॉप नहीं है, तो आपको पीसी या लैपटॉप अरेंज करना पड़ेगा, या आप किसी साइबर कैफ़े पे जा करके दे सकते हैं। लेकिन कहीं भी आपको ऐसी जगह पे एग्जामिनेशन देना है जहाँ पे एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, देयर मस्ट बी अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। और अगर आपके मन में आ रहा है कि सर इतना समझ में आ गया, घर बैठे बैठे एग्ज़ाम देना है, पीसी या लैपटॉप पे एग्ज़ाम देना है, एग्जामिनेशन का आपको पूरा का पूरा शेड्यूल भी बता दिया गया, ड्यूरेशन भी बता दिया गया कि 2 घंटे का पूरा एग्जामिनेशन होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, 10 डेज प्रायर आपको आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। बट सर अगर घर से देंगे तो चीटिंग कर लेंगे ना? अब देखो ऐसा नहीं होगा। ये जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, ये कई इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स के अंदर में फॉलो किया जा रहा था, और वैसा ही कुछ पैटर्न ये लेकर क्या है। इन्होंने कहा सबसे पहले कि भैया अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके पास में लेटेस्ट वर्जन मोज़िला, गूगल क्रोम हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, रैम आपके पास में अच्छा होना चाहिए, ग्राफिक्स ठीक ठाक होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि ग्राफिक कार्ड ही हो, मीडिया सपोर्ट उसके अंदर में, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सपोर्ट मतलब उसके अंदर में आप हेडफोन जैक वगैरह कुछ लगा करके भी अपना काम कर सकते हैं, माइक्रोफोन मतलब यूजुअली जो आप हेडफोन इस्तेमाल करते हैं या ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपका काम हो जाएगा, वेबकैम होना चाहिए उसके अंदर, मतलब अगर आप पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेबकैम होना चाहिए। सर वेबकैम का क्या काम होगा? क्या वो सामने से अपने को देखेगा? हाँ, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी आपकी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी उसके अंदर में, सामने से जो एक एग्जामिनर है वो आपको व्यू कर सकता है, वो देख सकता है कि आपके पीछे तो कोई नहीं बैठा है या फिर आप कहीं से देख तो नहीं रहे हैं, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर इसके अंदर में पकड़ी गई आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कोई सी भी सस्पिशियस एक्टिविटी करिएगा भी मत, ठीक है? इसमें मतलब आपके वॉइस वगैरह भी उसमें जा रही होगी, तो अगर पन्ना पलटने की भी आवाज़ आई वो सारी चीज़ें भी मॉनिटर होंगी। हालांकि अब कितनी सिक्योरिटी इसमें रह पाती है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट, बट आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू टू जस्ट थिंक कि नहीं, आपको प्रॉपर एग्ज़ाम देना है एंड आपको उसको 100% आप कह सकते हैं ऑनेस्टली अपियर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट थिंक एनी वे ऑफ चीटिंग, ठीक है? आप उसमें सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि पूरा आप सेशन ध्यान से सुनिए। क्या क्या चाहिए? आपकी इंटरनेट कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए, जियो नहीं लेकर के बैठेंगे सर जी, जियो पे मत अपीयर करिएगा। हालांकि सर अगर इंटरनेट कनेक्शन बीच में छूट गया तो क्या? अगर इंटरनेट कनेक्शन बीच में छूट गया तो कहा गया है कि 2 दिन बाद वापस से आपके री एग्ज़ाम के प्रोविजन्स करवाए जाएंगे, लेकिन अगेन इसके अंदर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हो जाएंगे, क्यों हम उस पर जाएँ? तो आई विल इंश्योर कि हमारे पास एक प्रॉपर ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, उसी के ऊपर हम अपीयर करें। रिकमेंडेड ये है कि आपके पास में अपलोड डाउनलोड स्पीड एटलीस्ट 1 Mbps हो, तो स्मूथ स्ट्रीमिंग चलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेसर आपका एक अच्छा होना चाहिए, फास्ट प्रोसेसर होना चाहिए, और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए। आपको एक सिक्योर्ड ID एंड पासवर्ड दिया जाएगा फॉर दी ऑनलाइन टेस्ट, वो आप ही के पास में होना चाहिए और किसी के पास में नहीं जाना चाहिए। वेबसाइट एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स आपसे मेल पर शेयर किए जाएंगे, तो आप मेल अपना चेक करते रहिएगा, ठीक है? अगर मेन मेल पर नहीं आ रहा है तो आप अपडेट्स या स्पैम वाला जो पोर्शन होता है वो सब भी चेक कर सकते हैं, बट मेल आपके पास ज़रूर से आएगा। फिर इसके बाद आपको एक वेबसाइट पर डायरेक्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू आपकी सबसे पहले एक फ़ोटो कैप्चर की जाएगी, वेबकैम के थ्रू आपकी फ़ोटो कैप्चर की जाएगी, आपका एडमिट कार्ड आपको दिखाना होगा, आपका ID प्रूफ आपको अपने साथ में लेकर के बैठना होगा, मतलब जैसे आप प्रॉपरली एग्जामिनेशन में जाते हैं वैसे ही जाना होगा। और अगर कोई भी वॉयलेशन होता है तो जो ऑनलाइन लाइफ प्रॉक्टर होगा, जो हम कह सकते हैं इन्विजिलेशन कर रहा होगा, वो तुरंत का तुरंत आपको इंटरप्ट कर देगा, या फिर हम कह सकते हैं आपका एग्जामिनेशन कैंसिल भी कर सकता है। तो देखिए, ऑनलाइन लाइव प्रॉक्टर रहेगा, वो आपके वेबकैम के थ्रू आपको चेक करता रहेगा, वो अगर चाहे तो आपसे चैट भी कर सकता है, आपसे ऑडियो चैटिंग भी कर सकता है, आपसे बात भी कर सकता है, ठीक है? तो ये सारी के सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। अब अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें गलत करते हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने सेकेंड विंडो ओपन किया है तो वो पकड़ लिया जाएगा, उसमें एरर दिखा देगा। आपने वेबकैम बंद किया तो वो तुरंत आपको पकड़ लेगा। अगर आपने फेस इज़ नॉट विजिबल, अगर आप कहीं इधर उधर जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कॉट। सो बी वेरी कॉशियस, आई एम टेलिंग यू ऑल। यू कैन अपियर योर एग्जामिनेशन एट होम, बट डोंट थिंक कि सर अच्छा अब तो रिलैक्स हो गए, यू हैव टू अपियर इट इन द सेम वे जैसे आपको पहले करना था। फिर इसके बाद
ये भी दिया हुआ है आपको कि अगर कोई ऐसा इशू आता है डिसकनेक्शन वगैरह से जुड़ा हुआ, तो फिर उसके लिए इंस्टीट्यूट जो है आपके लिए 2 दिन के अंदर अंदर विद इन नेक्स्ट 2 डेज एक और री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट अगर आप चाहें तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से 1 घंटे का अपीयर कर सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आर कंप्लीट अनाउंसमेंट फॉर CSEE एग्जामिनेशन। इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड आर चैनल, यू कैन ज्वाइन इट, लल्हा एजुकेशन सेंटर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच फर्दर अपडेट्स। बट आई फेल्ट कि दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी था जानना, और ऑब्वियसली आप सभी लोग जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूट्यूब पे, सबके लिए बहुत ज़रूरी था। इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर CSEE प्रिपरेशन, यू कैन स्टार्ट इट विद अस। आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। आर कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन, आप उसको डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एंड इन केस ऑफ एनी फर्दर डाउट्स, आप हमको कमेंट सेक्शन पे बताना इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स रिगार्डिंग दिस, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम ऑल्सो, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर में इंस्टीट्यूट का भी कोई FAQ हो सकता है, ज़रूर से है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि इसको कैसे कैसे अपीयर करना है। बट वंस अगेन आई विल से दिस इज अ फंटास्टिक स्टेप टेकन बाय ICSEI, बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। सो बेस्ट विशेज फ्रॉम माई साइड, अपने प्रिपरेशन को एकदम जोरदार ढंग से चालू कर दीजिए, बढ़िया से पढ़ाई में लग जाइए और एकदम अच्छे से इसको क्वालिफाई करके दिखाइए, ठीक है। एंड देन यू कैन मेक योर वे फॉरवर्ड टू CS Executive Examinations। थैंक यू सो मच, बाय बाय।